हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मिशन मैनेजमेंट। एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज की जो टॉपिक है हमारी वो है डेफिनेशन एंड इट्स टाइप, जो कि हमारा लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है, यूनिट 6 एंड पेपर 1। तो हमने इससे पहले क्लास में जो हमारा इंडक्टिव रीजनिंग था, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट था, और उसके बहुत सारे जो टाइप्स थे, फॉर्म थे, वो हमने कवर कर लिया है। अगर आपको ना समझ में आया हो तो हमारी प्रीवियस वीडियो जो है विजिट कर सकते हो आप, ठीक है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है डेफिनेशन एंड इट्स टाइप, जो हमारे बहुत तरह के डेफिनेशन हमें देखने को मिलते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा डेफिनेशन है लेक्सिकल डेफिनेशन, या इसको हम रिपोर्टिव डेफिनेशन भी बोलते हैं, है ना। तो अब लेक्सिकल डेफिनेशन होता क्या है, ठीक है। लेक्सिकल मतलब होता है जो वर्ड होता है ना, एज इट इज उसको अगर रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, एज इट इज, है ना। जो भी जैसे डिक्शनरी में मान लेते हैं कि डॉग लिखा हुआ है, है ना, तो डॉग में आप जब डिक्शनरी मीनिंग उसका क्या है, क्लियर, तो डॉग का जो डिक्शनरी मीनिंग है वही लेक्सिकल डेफिनेशन कहलाता है। लेक्सिकल मतलब क्या होता है, वर्ड, राइट। अ लेक्सिकल डेफिनेशन सिंपली रिपोर्ट द वे इन विच अ टर्म इज ऑलरेडी यूज्ड विद इन अ लैंग्वेज कम्युनिटी, ठीक है। हमको पता है कि गॉड मतलब क्या होता है, भगवान, डॉग मतलब क्या होता है, कुत्ता, ठीक है। तो अगर आप डॉग का मीनिंग सर्च करिएगा डिक्शनरी में, अगर आप गूगल पे सर्च करिएगा, अगर आप विकिपीडिया में सर्च करिएगा, तो मीनिंग उसका बदल नहीं जाएगा, क्लियर। तो लेक्सिकल का मतलब ही ये होता है कि जो भी वर्ड है हमारे पास वो एज इट इज रिप्रेजेंट करना, है ना, वही कहलाता है हमारा लेक्सिकल डेफिनेशन, राइट। जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि डिक्शनरी क्या होता है, अ रिफरेंस बुक दैट अल्फाबेटिकली लिस्ट द वर्ड एंड देयर मीनिंग। डिक्शनरी का इन्होंने मीनिंग बताया है कि डिक्शनरी एक रेफरेंस बुक होता है जो कि अल्फाबेटिकली वर्ड को लिस्ट किया हुआ रहता है अकॉर्डिंगली, ठीक है। और इसको हम कभी कभी साइनोनिम भी बोलते हैं, किसको, लेक्सिकल को। तो लेक्सिकल इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड साइनोनिम, राइट। आपके पास हिंदी में भी कंटेंट है, इंग्लिश में भी कंटेंट है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से ग्रुप ज्वाइन करके हमारा जो ये पीडीएफ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये पहला डेफिनेशन था आपका लेक्सिकल डेफिनेशन, राइट। अब दूसरी बात करेंगे स्टिपुलेटिव डेफिनेशन के ऊपर। ये लेक्सिकल का एकदम अपोजिट है, इट इज जस्ट अपोजिट टू लेक्सिकल। लेक्सिकल में हम क्या कर रहे थे, लेक्सिकल में जो भी वर्ड था उसका एज इट इज आपने मीनिंग निकाला था, ठीक है। लेकिन स्टिपुलेटिव डेफिनेशन में आप किसी भी वर्ड को एक नया मीनिंग देते हो। ऐसे समझो कि मान लो कि गोवा या मनाली या शिमला तो सब गया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप रेनी सीजन का टाइम है, आप अपने शहर में कोई ऐसे जगह पे गए हुए हो जो कि एकदम यूनिक जगह है, विचित्र जगह है ना, उसका कोई भी नाम भी नहीं है, कोई उसको जानता भी नहीं है, आप पहली बार गए हो, ठीक है, आपने उसका नया नाम दे दिया है, तो उसको हम बोलेंगे स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। मतलब In this, it introduces a new meaning either for an already existing word or for a new made up of word. मतलब हमारी definition के according, हमारे example के according अगर बात करें, तो हो सकता है कि उस जगह पे, जो जगह पे आप गए हो, दूसरे लोग भी गए होंगे, लेकिन वहां किसी का ध्यान नहीं आया, किसी ने उसको नाम नहीं दिया। वो जगह तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन किसी ने नाम नहीं दिया। सिमिलरली ये वो डेफिनेशन है स्टिपुलेटिव डेफिनेशन, जहां आप एक एग्जिस्टिंग वर्ड को भी नाम, नया नाम देते हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे जो सोलर सिस्टम में 9 प्लेनेट हैं, ठीक है, जो प्लूटो अभी अभी है नहीं है इसके ऊपर काफी वो चलता रहता है, लेकिन मान लेते हैं, हम मान के चलते कि 9 प्लेनेट है, आपने जाके स्पेस में 10वां प्लेनेट की खोज कर दी, ठीक है, जो कि किसी ने नहीं खोजा था, और वो 10वां प्लेनेट का आपने सपोज करो नाम रख दिया कुछ भी, टाइगर, राइट। तो टाइगर क्या हुआ, आपका स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। तो हम स्टिपुलेटिव डेफिनेशन में क्या करते हैं, एक नया वर्ड देते हैं, इतनी बातें याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका इंटेंशनल डेफिनेशन। अब सबसे पहले ये याद रखिए कि इंटेंशनल को ही हम कॉनोटेटिव डेफिनेशन भी बोलते हैं और डेफिनेशन बाय कॉम्प्रेहेंशन भी बोलते हैं। अब इस डेफिनेशन में खास बात यह है कि यह डेफिनेशन किसी भी एक पर्टिकुलर टर्म का फीचर आपको बता देगा, फीचर बता देगा या उसकी प्रॉपर्टी बता देगा, क्लियर।
फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर की बात करते हैं, तो वाटर का अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हो आप, तो वाटर को फिजिक्स में अलग प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली बायोलॉजी में वाटर का अलग प्रॉपर्टी होता है एंड केमिस्ट्री में वाटर का अलग प्रॉपर्टी होता है। तो किसी भी टर्म है, कोई भी टर्म है ना, उसका अगर आप फीचर बताते हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हो, उसको हम बोलते हैं इंटेंशनल डेफिनेशन या कॉनोटेटिव डेफिनेशन या डेफिनेशन बाय कॉम्प्रेहेंशन। ठीक है, चलिए चौथा डेफिनेशन है हमारा एक्सटेंशनल डेफिनेशन। ये एक्सटेंशनल डेफिनेशन को हम डेनोटेटिव डेफिनेशन भी बोलते हैं या एक्सटर्नल डेफिनेशन भी बोलते हैं। पहली बात, अब ये देखिए, When a group defined collectively, it is extensional, है ना? अगर कोई एक ग्रुप है, ठीक है, वो एक मतलब कंबाइंड अगर किसी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कंबाइंड है ना, जैसे हमने बोला कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 50 वो क्लास के ग्रुप हो गए। हमने क्या किया, क्लास टेंथ में 50 बच्चे हैं, तो टेंथ को हमने क्या किया, एक ग्रुप में हमने रिप्रेजेंट किया है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशनल डेफिनेशन। एक्सटेंशनल डेफिनेशन में आप हमेशा याद रखिएगा कि आप जो ग्रुप होता है ना, उसको डिफाइन करते हो कलेक्टिव फॉर्म में, राइट, इसीलिए इसको एक्सटेंशनल डेफिनेशन भी बोलते हैं। अब यहां ध्यान रखिए, दो हमने डेफिनेशन बताया, एक इंटेंशनल एक एक्सटेंशनल। ठीक है, इंटेंशनल का एक एग्जांपल है बैचलर इज अनमैरिड मैन। यहां पे बैचलर का क्या बता रहे हो आप कि भैया बैचलर कौन होते हैं, वो हमारे अनमैरिड मैन होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई रहती है। तो बैचलर का जनरली आपने क्या बताया, उसका कैरेक्टर बताया, उसकी फीचर बता दिया आपने, तो ये होगा इंटेंशनल डेफिनेशन के अंदर आएगा, क्लियर। लेकिन एक्सटेंशनल डेफिनेशन क्या होता है कि अगर आपको दिया गया है कि लिस्टिंग ऑफ ऑल द अनमैरिड मैन इन द वर्ल्ड, जितने भी हमारे जो अविवाहित हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है ना, जितनों को आप लिस्ट करिएगा, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, एक ग्रुप बना रहे हो। ठीक है, तो ग्रुप में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप जब भी आएगा आप एक्सटेंशनल डेफिनेशन की बात करते हो। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन डिफरेंस है, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा है जो पांचवा डेफिनेशन है, प्रिसाइसिंग डेफिनेशन। प्रिसाइसिंग डेफिनेशन क्या होता है कि इस द पर्पस ऑफ अ प्रिसाइसिंग डेफिनेशन इज टू रिड्यूस द वैगनेस ऑफ अ वर्ड, राइट। कि प्रिसाइसिंग डेफिनेशन क्या होता है हमारा, प्रिसाइसिंग डेफिनेशन वो डेफिनेशन होता है जो कि बढ़ा चढ़ा के आप मत बोलिए। ठीक है, आप बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए, आप उसी को एक छोटा आप एग्जांपल दे दीजिए। जैसे हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, एग्जांपल में इन्होंने लिखा है कि अ मैन, ठीक है, अ मैन हु अर्न 300 रुपीज पर मंथ, ठीक है, पर मंथ इज कॉल्ड पुअर। तो इन्होंने क्या बोला है, पुअर को ही डिफाइन कर दिया है। तो हम ये ना बोल के दे डायरेक्ट अगर बोल दे कि ही इज अ पुअर, तो पुअर मतलब आप समझ जाइएगा कि ये गरीब आदमी है, इतना बढ़ा चढ़ा के बोलने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, हमने बोला है कि अ मैन हु अर्न 300 रुपीज पर मंथ इज कॉल्ड पुअर, कि वो लोग, वो आदमी जो 300 रुपए पर महीने कमा रहा है, उसको हम पुअर बोलते हैं। अब इसी को अगर बढ़ा चढ़ा के ये हमने बोल दिया, ठीक है, तो इसी जो इस वर्ड का अगर आप वैगनेस रिड्यूस कर दो और उसको डायरेक्ट बोल दो पुअर, तब भी तो लोग समझ जाएंगे कि ये डेफिनेशन प्रिसाइज कर रहा है, राइट। तो इसी को हम प्रिसाइसिंग डेफिनेशन भी बोलते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका परसुएसिव डेफिनेशन। अब देखिए, परसुएसिव डेफिनेशन जनरली बात करता है आपके एटीट्यूड को, ठीक है, एटीट्यूड मतलब आपका एटीट्यूड कैसा है, आप किसी चीज को लेके आप कैसा नजरिया रखते हो उसके लिए। ठीक है, अब नजरिया दो तरह के आपके हो सकते हैं, एक वन इज फेवरेबल या अदर इज अनफेवरेबल। ठीक है, तो इट इन्फ्लुएंसेस बेसिकली एटीट्यूड, राइट। परसुएसिव डेफिनेशन हमेशा इन्फ्लुएंस करेगा किसको, एटीट्यूड को, राइट। दिस इज द डेफिनेशन अंडर विच इट इज कैटेगराइज आइदर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल रिस्पॉन्सेज। यहां हमेशा आपको क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, आपके बिहेवियर के बारे में, आपका एटीट्यूड के बारे में। आपका एटीट्यूड या तो किसी के लिए फेवरेबल हो सकता है या तो किसी के लिए अनफेवरेबल हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिया है कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द वीक इंफीरियर रेस, है ना। डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट का एक वीक इंफीरियर रेस है, तो यहां पर गवर्नमेंट के लिए अनफेवरेबल बातें बोला जा रहा है, राइट। सिमिलरली दूसरी एग्जाम्पल जो है हमारा, लव इज ओनली एन इल्यूजन ऑन पीपल हु डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। लव क्या है, ठीक है, एक
इल्यूजन है जिन लोगों को पता ही नहीं है कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है और फैंटेसी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, उनके लिए एक मति भ्रम है, उनके लिए एक इल्यूजन है। तो यहां लव के बारे में भी, जैसे किसी दो बंदे उठा लीजिए आप, ठीक है, किसी एक बंदे का हो सकता है लव के लिए एक फेवरेबल रिस्पॉन्स हो, ठीक है, हो सकता है फेवरेबल, अरे यार लव है तो सब कुछ है, वो ऐसे बात करे, ठीक है, जिंदगी है तुमसे ये वो करके बात करे। लेकिन यहां पे जो एग्जांपल दिया गया है, इन्होंने बोला है कि लव इज एन इल्यूजन, इसका मतलब ये हुआ कि ये लव को हेट कर रहा है, ठीक है, ये इल्यूजन बता रहा है। तो ये है परजुएसिव डेफिनेशन, जहां पे किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इंडिविजुअल का आप या तो एटीट्यूड देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ फेवरेबल एटीट्यूड या अनफेवरेबल एटीट्यूड, राइट, परजुएसिव डेफिनेशन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन, हमारे सातवें नंबर का डेफिनेशन है। अब ये ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या बताएगा, इट स्पेसिफाइंग अ मेजरमेंट प्रोसीजर वाइडली यूज्ड इन साइंस, जो भी ऑपरेशनल टर्म्स में हम बात करेंगे ना किसी चीज के, तो वो हमारा हो जाता है बेसिकली ऑपरेशनल डेफिनेशन, जो जनरली हम साइंस में यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन आया, क्लियर। नेक्स्ट है फंक्शनल डेफिनेशन, फंक्शनल डेफिनेशन में जैसे किसी के फंक्शन के ऊपर बात कर रहे हो, राइट, किसी भी चीज के आप फंक्शन के ऊपर बात कर रहे हो, जैसे लाइट हो गया, फैन हो गया, राइट, जैसे गाड़ी हो गई, गाड़ी का काम क्या है, चलना, स्टूडेंट का काम क्या है, पढ़ना, लाइट का काम क्या क्या है, रोशनी देना। तो ये फंक्शन बेसिकली हम इसमें बात करते हैं फंक्शनल डेफिनेशन के अंदर। सो बेसिकली इट इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फंक्शन, पर्पस और यूज ऑफ एन आइटम, राइट। चलिए नौवां की बात कर रहे थे, एनालॉगस डेफिनेशन। एनालॉगस में हमने ये बोला था कि एनालॉजी हमने लास्ट क्लास में बात कर रही थी, जो कि इंडक्टिव आर्गुमेंट का बेसिकली एक पार्ट था, ठीक है। तो एनालॉगस मतलब हमने क्या बताया था, वो जो एग्जांपल याद है ना, होंडा वाला, माई होंडा, प्रशांत होंडा, ठीक है। एनालॉगस मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी। अगर आप दो या दो से ज्यादा चीज में अब सिमिलैरिटी निकालने की कोशिश करते हो, रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करते हो, तो उसको बोलते हैं हम एनालॉगस डेफिनेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, माई कंप्यूटर इज लाइक योर ब्रेन। अब यहां पे मेरे कंप्यूटर को आपके ब्रेन से कनेक्ट किया जा रहा है, इनके बीच रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश की जा रही है। तो जब भी दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में आप रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करो, कनेक्शन बनाना सोचो, तो वहां पे आप एनालॉगस डेफिनेशन यूज करते हो, राइट। अब लास्ट है हमारा ऑस्टेंसिव डेफिनेशन। ये देखिए, जो एनालॉगस डेफिनेशन है ना, ये पिछले बार बार जो यूजीसी नेट एग्जाम था वो पूछा गया था, ठीक है। बहुत तरह के एग्जाम्पल दे देके, कनेक्ट कर करके, दो से ज्यादा वेरिएबल होके आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा था और पूछा जा रहा था ये कौन सा डेफिनेशन है, और ये अभी लास्ट से लास्ट आपके एग्जाम में आया था ऑस्टेंसिव डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है, कि ऑस्टेंसिव डेफिनेशन हमारा क्या होता है। तो आपको यहां पे एग्जाम्पल दिया गया था, एग्जाम्पल के थ्रू पूछा गया था कि ये कौन सा डेफिनेशन है। तो ऑस्टेंसिव डेफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि इट इज डेवलप्ड बाय शोइंग समवन एन ऑब्जेक्ट एंड अटैचिंग अ वर्ड टू इट। जैसे हम लोग छोटा बच्चा को खिलाते हैं ना, खिलाते हैं तो वो क्या करता है कि आप उसको क्या सिखाते हो, जैसे कलर तो कोई दिखा के आप वो बता नहीं पाओगे कि ये वो कलर है, ये वो कलर है, ये ब्लू है, ये रेड है, ये येल्लो है, तो आप क्या करते हो, कोई ऑब्जेक्ट दिखाते हो उसको, है ना, ताकि ऑब्जेक्ट से जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा जल्दी कैच कर पाते हैं, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट दिखा के बोलते हो बेटा ये कौन सा कलर है, तो वो बोलता है मम्मी ये रेड है, ये ब्लैक है, ठीक है। तो यही कहलाता है आपका ऑस्टेंसिव डेफिनेशन। एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, जैसे कि डिफाइनिंग रेड बाय पॉइंटिंग आउट रेड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल, रोजेज एक्सेट्रा, ठीक है। तो हम रेड को डिफाइन कर रहे हैं, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हमने पॉइंट आउट किया है रेड ऑब्जेक्ट को, जैसे एप्पल हो गया, रोज हो गया, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका ऑस्टेंसिव डेफिनेशन। तो आज की क्लास में ये ही सारे वेरियस डेफिनेशन थे, जो कि आपको एग्जाम में कभी, जैसे मॉक टेस्ट दीजिएगा आप एग्जाम में, या एग्जाम दीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करिएगा, तो ये कहीं ना कहीं डेफिनेशन देखने को मिल सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा फर्दर टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हमारे जरूर जुड़ जाएं, हमसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, और हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक होगा, हमारे व्हाट्सएप का, फेसबुक का, और टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, वहां पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।